लोगों का दावा था कि हम कश्मीर की सरजमीन पर पंडितों को वापस लाएंगे, आज वही उनकी किलिंग पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के लीडर। साजिद, कल जो एक इंसिडेंट साउथ कश्मीर के पुलवामा में हुआ, जहां पर एक मासूम पंडित या कम्युनिटी मेंबर का कत्ल किया गया, तो कैसे उसको देखेंगे? देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, आपके चलन के माध्यम से आपको बता दूं कि कश्मीर का एक एक जो बच्चा है, कश्मीर का एक एक नौजवान जो है, कश्मीर का एक एक बूढ़ा जो है, हर कोई इस चीज़ से आज मैं कह सकूँ उनका दिल दुख रहा है इस वक्त। दे आर क्राइंग, आज कोई खुश नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा एक ATM गार्ड भाई, शायद मुझे लगता है 3-4 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी मंथ में, उसने आपकी जिहाद के साथ क्या किया था? उसने तो आपकी जिहाद को छेड़ा नहीं, उसने तो आपके सो कॉल्ड आज़ादी मूवमेंट या फ्रीडम मूवमेंट के साथ छेड़ा नहीं, तो आपने उसको क्यों मारा? तो इट्स अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पाकिस्तान, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति है वो हमने देखा 2019 में, उनकी कमर कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह साहब, उनके नेतृत्व में उनकी कमर किसने तोड़ी? हमारी सरकार ने तोड़ी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, ये आज की डेट में अपने आकाओं को, उनको ये दिखाना चाहते कि वी आर रेवलेंट समवेयर, बट आई मस्ट टेल दम वन थिंग, दे आर नो वेयर इन द लिस्ट। इनके बड़े बड़े कमांडर्स जो थे, खुद को कल तक जो A++ कैटेगरी में खुद को रखते थे कि वी आर द चीफ, वी आर द सुप्रीम, आज का है वो ज़मीन बोस कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको, ठीक है ना? जो ये आज जो आप कह रहे हैं ना कि जिन्होंने कल हमारे संजय भाई को मारा, मैं आपको गदावी के साथ कह सकता हूँ, मुझे भरोसा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पे ज़मीन बोस करके रखेंगे उस इंसान को, उस शैतान को, जिसने कल हमारे जो संजय भाई को मार दिया। साजिद, आपने दावा किया था कश्मीरी पंडितों को लाएंगे, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की किलिंग हो रही है, आप लोगों का दावा ये मान के चले कि खोखला हो गया? देखिए, एक चीज़ कौन कहता है कि हमने ये कहा कि हम कश्मीरी पंडित को नहीं लाएंगे, लाएंगे क्यों नहीं लाएंगे, काम चल रहा है उस चीज़, इस चीज़ से इसी तरीके से वापस आएंगे वो? देखिए, एक ये सब चीज़ें को देखकर, एक चीज़ को नहीं, आप, मैं सॉफ्टली आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए पिछले एक साल में कितनी सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स हुई? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कह रहे हैं एक साल, मैं आपको बता दूँ, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी सिख्स, तीनों का कत्ल हुआ, ठीक है ना? अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं काम, एक यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन बट टू द रॉन्ग पर्सन, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आप ये क्वेश्चन पूछिए लेकिन पाकिस्तान से पूछिए, आप करने वाले कौन है, करने वाले वो चीज़, हम यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं फिर? मैं बता रहा हूँ, सेंटर में आपकी सरकार है, वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ, सेंटर में हमारी सरकार है, लेकिन एक चीज़ है, ज़मीन बोस कौन कर रहा है इन लोगों को? सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, किसके नेतृत्व में कर रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी है, या होम मिनिस्टर जी है, उनके नेतृत्व में हो रही है। तो जितने भी, मैंने आपको कहा ना, जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनको लगता है कि A++ कैटेगरी में खुद को ये बड़े बड़े कमांडर मानते हैं, ये जल्दी है इन लोगों को सरप्रस्त खाक होना ही होना है। लेकिन साजिद, कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से एक डर का माहौल जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ पे शायद पसंद भी नहीं करेंगे रहना ये सब चीज़ों को देखकर, जिन्होंने अपना बचपन सारा कश्मीर में गुजारा और आज उन्हीं के ऊपर निशाना थोपा जा रहा है, वो भी एक जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था और अपने घर को चलाता था। हमने 90s देखा है, जब 90 के दहाइशी में हमारे कश्मीरी पंडित के साथ यहाँ पे उनको यहाँ से निकाला गया, हमने वो टाइम भी देखा है। लेकिन ये वही पंडित है ना जिन्होंने तब भी अपने आप को, आपकी परवाह ना करते हुए यहाँ पर टिके रहे। यही चीज़ बोलने वाला था आपको, यही चीज़ बोलने वाला था, पर आज लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपको वही चीज़ बोलने वाला कि कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पे, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे फिर भी रह रही थी, ठीक है ना, उस टाइम हालात खराब थे, उस टाइम उन लोगों ने छोड़ा नहीं, आज के टाइम पे आज भी कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहे, रह रहे हैं, रह रहे हैं, आज कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। उनको भी पता है पाकिस्तान जो है, उनकी बौखलाहट जो है, ये चीज़ बहुत टाइम तक चलने वाली नहीं है। एक टाइम पर मैं आपको कहा ना, कुछ टाइम ऐसा भी टाइम था जब ये लोग टेररिस्ट जो थे यहाँ पे, इन लोगों ने आतंक मचा के रखा था यहाँ पे, किसी को बात करने नहीं देते, लेकिन इन लोगों को आज की डेट में हमारी सिक्योरिटी फोर्स या कोई भी हमारी एजेंसी हो, उन लोगों ने इनको मार दिया। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वी ऑलवेज पुट द फिंगर्स ऑन द गवर्नमेंट, हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी एजेंसी को। आज मैं आपके चलन के माध्यम से आपको ब्लेम करता हूँ, क्या एज अ कश्मीरी मुस्लिम, मैं अपना भी बताऊँ, एज अ कश्मीरी मुस्लिम मेरा भी हक बनता है कि एटलीस्ट मैं अपने कश्मीरी पंडित भाई को उनको कर लेकर उनको सेव कर लूँ। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित सेफ नहीं, आप सेफ है ना, मैं भी तो सेफ हूँ यहाँ पे, बाकी लोग भी सेफ है, कश्मीरी पंडित आपको अनसेफ क्यों लग रहा है? आपको क्यों लगता है बस सिर्फ वो यहाँ अनसेफ है, कश्मीरी मुस्लिम सेफ है? नहीं, हम उनकी बात नहीं, क्योंकि दैट इज, मेरी बात सुने, देखिए यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम्स का, मेरी लॉजिकली, मैं कश्मीरी मुस्लिम, ठीक है सेंट, कश्मीरी मुस्लिम्स का भी कत्ल हुआ, कश्मीरी पंडित्स का भी हुआ, लेकिन माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं से टारगेटेड किलिंग जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक चीज़ है, माइनॉरिटी जिन लोगों को आप कह रहे हैं, मेजोरिटी में तो हम कश्मीरी मुस्लिम्स आते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किन की है? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को आज प्रोटेक्ट करें। मैं आपको बता दूं, 90s में जो हुआ, आज के टाइम में बहुत सारे हमारे नौजवान ये कहते हैं कि भाई हम तब पैदा नहीं हुए थे,
अगर हम पाए तो हम इनको निकलने नहीं देते। लेकिन आज तो आप और मैं हूँ यहाँ पे, आज तो आप और मैं हैं यहाँ पे, आज इनको हम क्यों ये सब चीज़ें करने दें, इनको आज आज यहाँ से निकलने क्यों दें। आज आज अगर कोई टेररिस्ट जो आके इनको शहीद करता है तो हम उनको रोक क्यों रह रहे हैं, वाई डोंट वी एक उनको फाइट बैक क्यों नहीं कर लेते। हमें उनकी प्रेजेंस भी पता होती है, रहते कहाँ हैं वो। इन क्लियर वर्ड साजिद, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे आवाम की बात करें या उनकी जो इस कत्ल के पीछे। देखिए मैं एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको, आई डोंट हेजिटेट टू नेम एंड शेम देम बिकॉज आई नो इट्स अ पाकिस्तान एंड नो वन एल्स हु आर किलिंग द कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख्स। अगर आज की डेट में उनको लगता है कि इनका ये जो प्रॉक्सी अपना इनने यहाँ पे एक वॉर चलाया है यहाँ पे, अगर इनको लगता है कि दे विल गेट सक्सेस, आई मस्ट टेल देम आने वाले वक्त में ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि कश्मीरी नौजवान भी आपसे लड़ेगा और आने वाले वक्त में आपको भगा भगा के यहाँ से मारेगा। कल एक अलग तस्वीर देखने को मिली साजिद कि माइनॉरिटी कम्युनिटी मेम्बर से ज़्यादा लोकल कश्मीरी मुस्लिम जो है उनकी आँखों से आंसू टपक रहे हैं। यही तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान को अगर लगता है, देखिए एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लियर चीज़ मैं बता दूँ, पाकिस्तान ये चीज़ सोचता था कि कश्मीरी पंडित को, मैं आपको बता दूँ इसका लॉजिक बताता हूँ, पाकिस्तान ने आज तक जो है एक अमीर को क्यों नहीं मारा, एक गरीब को क्यों मारा, बिकॉज रीजन बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ डिवीजन इन द कश्मीरी मुस्लिम एंड द कश्मीरी दिस पंडित। बट आई मस्ट टेल देम कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित जो दे आर वन, नोबडी ऑन अर्थ कैन सेपरेट अस, वी आर वन। अगर आप कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, हम कभी अलग नहीं होने वाले। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के यंग कंट्रोवर्शियल लीडर एडवोकेट साजिद यूसुफ, जिनसे हमने कल के इंसिडेंट को लेके बात की। आगे क्या कुछ होता है वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साजिद, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।